हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो जैसा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणपति जी का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इनकी पूरी बॉडी को बना लिया है और हमें इनके हाथ को बनाना है, और उसके बाद मैं आगे आपको इनका एक छोटा सा सिंहासन बनाऊँगी जिस पर मैं इन्हें ज्वाइंट करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि इनकी बॉडी कैसे बनाना है आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने पे बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर भी मुझे कई सारे कमेंट आते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जहाँ से आप कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसे देखकर बना सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी दोस्तों, मेरी पिछली जितनी भी वीडियो है उन सभी वीडियो की अभी भी मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम आप आधा अधूरा बताती हैं, फर्स्ट वीडियो बताएं, सेकंड वीडियो नहीं बताएं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी वीडियो है आप सारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिएगा, मैंने उसके नेक्स्ट वीडियो का या पिछली वीडियो का लिंक ज़रूर दिया होगा। आप हर एक वीडियो में जाएंगे तो उसके आगे का वीडियो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलता जाएगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि एक पार्ट मिला तो दूसरा पार्ट ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, जो भी पार्ट आप देख रहे हो, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे देखिएगा तो उसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक उसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम गणपति जी का जो हाथ है उसे हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं। मैंने तो आपको बना के दिखा दिया था, और सॉरी मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, चलिए आगे बनाते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो बॉडी है वो बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर हमें प्लास्टिक ऐड करनी है ना, और ये इस तरह से हमें इनका हाथ जॉइंट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाथ इनका जॉइंट करके रखा हुआ है, और ये दूसरा हाथ मैं आपको जॉइंट करके दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कलर हमें कौन सा लेना है, तो हमें ग्रीन कलर ही लेना है, और ऑरेंज कलर भी हमें चाहिए, सेम मोती से हम जॉइंट करेंगे। तो चलिए जॉइंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसमें लगा रही हूँ गांठ यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हमें गांठ लगानी है। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे हमें सेम उसी तरीके से गांठ लगाना है, डबल गांठ लगाइएगा, उसके बाद इसे सीज़र से कट कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारी जो सामने वाली मोती है इसके अंदर हम सुई को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम लेंगे एक ग्रीन कलर की मोती, और फिर ग्रीन कलर की मोती लेने के बाद ठीक इसके सामने जो ये मोती है हम इसके अंदर इसे ऐड करेंगे। इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ये हमने अभी ऐड किया, और फिर हम इसे इसमें ऐड करेंगे, और फिर जिसमें हमने ऐड किया था उसी में ऐड करेंगे इस मोती में। और उसके बाद फिर हम इस मोती में ऐड करेंगे, यानी कि जो मोती हमने अभी ऐड की उसके अंदर हमें ऐड करना है, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ हम धागे को लेकर आएंगे। अब हमें सेम यही इसी तरह से पूरा इसे ज्वाइंट करते जाना है। जैसे कि इस मोती में मैंने ऐड किया, फिर से मैं एक ग्रीन कलर की मोती लूँगी, और फिर इसके जो सामने वाली मोती है इसमें ऐड करूँगी से इस तरीके से। ये देखेंगे आप, ये इस तरह से हो गया, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर इस मोती में ऐड करूँगी, और फिर जो हमने अभी मोती ऐड की उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और फिर ये सामने वाली मोती में, और यहाँ भी फिर मैं से मैं एक मोती ग्रीन कलर की ही। और देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है सीधे, जैसा कि आपको आमने सामने सारे मोती दिख रहे हैं, उसी तरह से हमें एक एक मोती लेके ज्वाइन करते हुए जाना है जैसे अभी हमने ज्वाइन किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, मैंने सेम वैसे ही यहाँ से यहाँ तक जॉइंट किया। अब जैसा कि ये जो हमारी धागा है वो ग्रीन कलर ऑरेंज कलर वाले में है, तो अब यहाँ पे मैं एक ऑरेंज कलर की मोती लेके इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ कलर मैं चेंज कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पर बाकी सब हमें सेम वैसे ही करना है। ठीक है, अब फिर से मैं जैसा कि हमने किया हुआ है आगे भी और ग्रीन वाले में, और यहाँ से फिर से मैं एक ग्रीन कलर का लेकर ऐड कर लूँगी। चलिए कर लेते हैं इसमें। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो हमारा हिस्सा है वो अच्छी तरीके से जॉइंट हो गया है। यहाँ से हमने जॉइंट करना स्टार्ट किया था, आई होप कि आपको दिख रहा हो यहाँ से, और ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। और यहाँ आने के बाद फिर मैं इस मोती में आऊँगी और यहाँ भी सेम मैं एक ग्रीन कलर की मोती लेके इसके अंदर ऐड करूँगी। हमें पूरा इसे इसी तरीके से ऐड करना है, ये पूरा जो हमें का हाथ है इसे पूरे इसी तरीके से हमें ऐड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ भी एक ग्रीन कलर का मोती लिया और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया और इस तरीके से फिर मैं और फिर इसमें और फिर इस मोती में और फिर इस मोती में और यहाँ से भी सेम मैं दो ग्रीन कलर का एक एक मोती लेके ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पहले मैं एक ग्रीन ही लूँगी। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए ऑरेंज है, तो मैं यहाँ भी एक ऑरेंज मोती ले रही हूँ और इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। अब मैं आपको बता दूँ, अब मैं आपको बता दूँ यहाँ फिर से मैं ग्रीन कलर की मोती लूँगी। जैसे दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ तक किया, सेम हमें एक एक मोती लेके दूसरे मोती में ऐड करना है, फिर उसे मैं घुमाते हुए दूसरे मोती में लेकर जाना है, फिर से हमें वैसे ही करना है। हमें सेम इसी तरीके से इसे इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, पूरा हमें इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हमें यहाँ से यहाँ तक करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरी तरीके से यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है, सेम एक एक मोती ज्वाइन करके। अब सेम हमें अब क्या करना है कि यहाँ से और यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है। ये जो खाली जगह आपको दिख रहे हैं ये हमें भरना है, ये खाली जगह, सेम वैसे ही दो दो मोती करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कर लेते हैं ऐसे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ से पूरी तरीके से इसे जॉइंट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा धागा यहाँ पे है, तो अब ये जो सीधी मोती है हम इसमें इसे ऐड करेंगे इस धागे को और फिर इस मोती में ऐड करेंगे, और यहाँ से भी सेम हम एक एक मोती लेके, जैसे कि ये आपको दिख रहा है जो, इसमें हम एक एक मोती लेके इसे पूरी तरीके से जॉइंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मैंने एक मोती लिया हुआ है और हम धागे सुई को इस तरह से इसमें डालेंगे और दूसरी तरफ आएंगे और दूसरी तरफ सेम हम इसी मोती में इसे इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये इसमें ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो ये बीच में एक छोटा सा घर बन जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पे जो मोती होगी उसके अंदर से हम देते हुए इधर बाहर की तरफ आएंगे और फिर इस मोती में आएंगे, और फिर इस मोती में आने के बाद जो अभी हमने मोती को ऐड किया उसके अंदर हम धागे को ऐड करेंगे, दूसरी तरफ लाएंगे और फिर ये जो सामने वाली मोती है इसके अंदर ऐड करेंगे, और सेम फिर हम यहाँ से एक ग्रीन कलर की मोती लेंगे और फिर हम दूसरी तरफ आएंगे, और दूसरी तरफ आने के बाद फिर से हम इस मोती में धागे को सुई को ऐड कर देंगे, जिससे ये घर धीरे धीरे अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ये घर बनता जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम हमें ऐसे ही पूरा इसे कंप्लीट कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं।
अब जैसे कि दोस्तों ये हमारा बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गांठ लगा देंगे जिस वजह से ये कभी इधर उधर ना हो। ज़्यादा नहीं, हल्का सा छोटा सा एक गांठ लगाएंगे इस तरीके से। और अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारे गणपति जी हैं ये पूरी तरीके से बनकर हमारे गणपति जी तैयार हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब हमारा जो गणपति जी हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था हमें इसके अंदर प्लास्टिक ऐड करनी है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं हमें इनके लिए एक छोटा सा सिंहासन बनाना होगा, ठीक है, जिस पे हम इन्हें बिठाएंगे। ऐसे तो ये अच्छे नहीं ना दिखेंगे इस वजह से, तो उसके लिए आपको इस तरीका का पार्ट बनाना पड़ेगा। इस पे हम इसे इस तरीके से बिठाएंगे, पर ऐसा पार्ट आपको बनाना होगा दो। एक मैंने बना रखा है, एक मैं आपको बना के बता दे रही हूँ अभी। ऐसे हमें दो पार्ट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर प्लास्टिक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको इस गणपति जी को इन पे जॉइंट कर देंगे। तो उससे पहले चलिए मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट को हमें किस तरीके से बनाना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि हमें इसे किस तरीके से जॉइंट करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चार मोती लेके इसका गांठ लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमने क्या कहते हैं, जैसे कि हमने इसे कट कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हमने पैरेट के लिए इसकी डाली बनाई थी, हमें कुछ वैसे ही करना है। तो देखिए ये हमारा ऐड हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तीन मोती इसमें मैं ऐड करूँगी। इस तरीके से फिर इस मोती में और फिर मैं इसमें तीन मोती ऐड करूँगी। सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी किया, इस तरीके से। और फिर मैं इस मोती में ऐड करूँगी और फिर से मैं वैसे ही करूँगी। तो इसी तरह से करते करते हमें क्या करना है कि ये जो हमारी मोती है, एक दो और ये तीन, ये ऐसी हमें 10 मोतियाँ करनी है। तो इसी तरीके से हम तीन तीन मोती ऐड करते जाएंगे जब तक कि ये जो मोती है ये 30 ना हो जाए, जैसे कि आप इसमें देखेंगे। सॉरी 30 नहीं, 10 ना हो जाए, जैसे कि आप इसमें देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक लाइन बना लेना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा 10 लाइन की मोतियों की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे हमारा धागा है और यहाँ पे तीन मोती फिर से मैं ऐड करूँगी। पर ऐड करने का जो जगह होगा, यानी कि हम पहले आगे ऐड कर रहे थे पर अब हम इसके सामने ऐड करेंगे। तीन मोती सेम हमें इसमें ऐड करना है। और अब हम नीचे की तरफ आएंगे, आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसे हमें पूरा सेम ये जो हमने बनाया है, मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है। अब इसमें हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसमें मैं दो दो मोती करके, अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दो दो मोती करके ऐड करते हुए नीचे तक जाना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दो मोती लिया और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये हमारा घर बन गया। और फिर से मैं इसमें आऊँगी और फिर से मैं दो मोती लूँगी। ये मैंने दो मोती ली और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। सेम ऐसे ही हमें पूरा इसे नीचे तक करते जाना हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से हम दो दो मोती ऐड कर लेंगे नीचे तक। तो चलिए कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दो दो मोती करते हुए ऐड कर लिया है। ये नीचे लास्ट हमें मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूं। देखिए यहाँ पे भी मैंने दो मोती लिया है और सेम हमें उसी तरीके से इसमें भी ऐड करना है। अब इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया इसे और फिर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी
ऊपर नीचे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यहाँ आने के बाद फिर मैं इसमें आ जाऊँगी और सेम जैसे हमने यहाँ पे तीन मोती ऐड की वैसे ही मैं यहाँ पे मोती तीन ऐड करूँगी और फिर इधर मैं इधर की तरफ दो दो मोती ऐड करते हुए ऊपर की तरफ जाऊँगी और फिर सेम हमें फिर से हमें वैसे ही तीन मोती ऐड करनी होगी जैसे अभी मैं यहाँ पर करूँगी और जैसे हमने यहाँ पर किया था। फिर से मैं नीचे की तरफ आऊँगी, सेम यही हमें करते जाना है जब तक कि ये जो हमारी लाइन होगी ये लाइन ये नीचे वाली ये भी दो है, हमें ऐसी 22 लाइन करनी है। यानी कि दो 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 लाइन तो हो चुकी है एक और ये दो, पर हमें अभी ऐसे 20 बार करना है ताकि हमें ऐसा एक पार्ट हम बना के तैयार कर सकें। ठीक है, ये 20 मोतियों का लाइन है और सेम हमें वैसे ही इसे करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा हमें ऐसे दो पार्ट बनाने हैं और इसे किस तरीके से बनाना है मैंने आपको अभी बना के दिखाया। सेम हमें कुछ नहीं करना है, जैसे सब कुछ मैंने किया शुरुआत वैसे ही करनी है और उसके बाद हमें इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पे तीन मोती ऐड की फिर मैंने दो दो मोती ऐड किया वैसे ही फिर यहाँ भी हम तीन मोती ऐड करेंगे फिर आगे की तरफ जाएंगे और दो दो मोती ऐड करेंगे फिर से हम उसी तरीके से करेंगे तीन मोती ऐड करेंगे फिर हम दो दो मोती ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से हमें करते जाना है तब तक जब तक कि जो हमारी नीचे वाली मोती है ये जब तक कि हमारी टोटल 22 मोती ना हो जाए। यानी कि मैंने दो मोती करके आपको दिखाई और ऐसे ही अभी हमें 20 मोती करनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसे पूरा बना के पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको वीडियो में दिखा पाऊँ, इस वजह से मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से हमें बनाना है। तो मैं चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि अब इस तरीके से जब हम पार्ट को बना लेंगे तो इसके बाद हम इस दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद उसके ऊपर हम ये जो हमारे गणपति जी हैं इन्हें हम इनके अंदर प्लास्टिक ऐड करके इनके ऊपर हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से ये जो हमारे गणपति जी हैं वो बनके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा जो गणपति जी का मिशन कह सकते हैं वो है वो बनके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ आपको सीखना हो या बताना हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, सबसे पहले तो अपने देश का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।